हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रमा मेहता का एक नोवेल है इनसाइड द हवेली, उसकी समरी देखेंगे। इनसाइड द हवेली इज एन इंग्लिश लैंग्वेज नोवेल बाय रमा मेहता। फॉर दिस नोवेल मेहता वॉज कन्फर्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1979। ये नोवेल रमा मेहता के द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया और इसे 1979 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये नोवेल 1977 में पब्लिश हुआ। इस नोवेल की जो स्टोरी है वो एक यंग गर्ल गीता पर लिखी हुई है जो कि मुंबई से होती है। गीता इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। अजय सिंह गीता के हस्बैंड है और जो कि उदयपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के डिपार्टमेंट में हेड है। ये उदयपुर से हैं। संग्राम सिंह अजय सिंह के दादाजी है। भाभा सा संग्राम सिंह जी की वाइफ होती है। भगवत सिंह संग्राम सिंह के पुत्र है और अजय सिंह के फादर है। कनवरनी सा भगत सिंह की वाइफ होती है। परी जी इनका जो महल होता है उसमें सबसे ओल्डेस्ट सर्वेंट होती है। ये यहाँ पर लगभग 45 सालों से रहती है और बचपन में ही ये विधवा हो गई थी। धापू चीप सर्वेंट होती है और गीता की फ्रेंड होती है। लक्ष्मी ये भी सर्वेंट होती है। Inside the Haveli is a story of an urban girl Geeta who gets married to the son of a former prince. ये कहानी एक शहरी लड़की जिसका नाम गीता होता है उसकी कहानी है जो कि एक फॉर्मर प्रिंस से शादी करती है। She struggles to fit into the traditional and conservative family of her in-laws in Udaipur, Rajasthan, India. जो कि एक रूढ़िवादी और परंपरागत फैमिली में फिट होने के लिए स्ट्रगल करती है। द नोवेल इज सेट इन द 1970s और यह जो नोवेल है 1970 के दशक पर आधारित है। गीता इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड द जर्नी इज मोस्टली सीन थ्रू हर आइज। द स्टोरी बिगिंस विद द बर्थ ऑफ ए गर्ल फॉर गीता एंड हर हस्बैंड। इस नोवेल की शुरुआत होती है गीता के जन्म से। गीता की शादी रूढ़िवादी और ट्रेडिशनल सोच रखने वाले परिवार में कर दी जाती है। गीता इज रेस्टलेस। गीता बेचैन होती है। शी डजंट एडजस्ट टू द वे थिंग्स रन इन द फैमिली। जैसी चीज़ें उसके ससुराल में चलती है वह वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाती है। शी इज़ अ वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम मुंबई एंड हैज़ ऑलवेज लिव्ड इन एन अर्बन एंड कॉस्मोपोलिटन एनवायरनमेंट सो शी डजेंट अंडरस्टैंड द ओल्ड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर हर न्यू फैमिली। वह मुंबई से होती है और वेल एजुकेटेड होती है। वह शहर में ही पली बड़ी होती है। जब वो अपने ससुराल न्यू फैमिली में जाती है तो वहाँ के ओल्ड कस्टम्स और जो रीति रिवाज होते हैं वह उनको समझ नहीं पाती। अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज़ लक्ष्मी और इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है लक्ष्मी, ए मेड इन द हवेली, जो कि हवेली में सर्वेंट होती है। हु हैज़ लिव्ड देयर सिंस शी वॉज अ लिटिल गर्ल। जब वो छोटी थी तभी से वहाँ पर रहती है। इट इज़ द ओनली होम शी हैज़ नोन एज सी वॉज टेकन इन बाय द फैमिली और इसके अलावा वह किसी को नहीं जानती, वह सिर्फ इस घर को जानती है। लक्ष्मी हैज़ अ डॉटर एज वेल। लक्ष्मी की एक बेटी भी होती है। शी हैज़ बीन कंपेल्ड टू मेक सर्टन डिसीजंस दैट शी डिडंट होल हार्टेडली एग्री विद। लक्ष्मी को कुछ डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके लिए वह पूरी तरह से एग्री नहीं होती है एंड दैट वेट्स ऑन हर। बाद में वह डिसीजन उस पर भारी भी पड़ते हैं। लक्ष्मी लीव्स द हवेली हर हस्बैंड एंड हर डॉटर टू सी वॉट लाइज आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द हवेली। तब लक्ष्मी उसका हस्बैंड और उसकी बेटी हवेली छोड़कर चले जाते हैं यह देखने के लिए कि हवेली की चार दीवारी के बाहर क्या है। शी वॉन्ट्स टू फ्री। लक्ष्मी अब आज़ाद होना चाहती है। गीता इज कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग द रिग्रेसिव प्रैक्टिसेज स्टिल प्रिवेलेंट इन द फैमिली। उसके ससुराल में जो भी प्रचलित प्रथाएं हैं वह उसके बारे में लगातार सवाल उठाती है। शी डजंट अंडरस्टैंड द नीड फॉर सच कस्टम्स इन सच प्रोग्रेसिव टाइम। वह यह नहीं समझती कि इस प्रोग्रेसिव टाइम में ये कस्टम्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट शी नेवर आर्ग्यूज अगेंस्ट देम। लेकिन गीता कभी भी इन कस्टम्स के विरोध में आर्ग्यूमेंट नहीं करती है। गीता कीप्स हर हेड डाउन एंड डज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर इवन इफ शी डजंट एग्री विद हिट।
गीता अपना सिर नीचे झुकाए रखती है और उसे जो एक्सपेक्ट किया गया वह उसे पूरा करती है बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, चाहे वह उसके लिए एग्री हो या न हो। द ओनली टाइम वेन शी क्वेश्चंस एनी वन इज वेन हर मदर इन लॉ प्लान टू गेट हर डॉटर मैरिड बिफोर शी इज इवन 18, बट इवन द डजेंट लीड टू एनीथिंग। वह सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन उठाती है जब उसकी सास अपनी बेटी की शादी का प्लान बना रही होती है और उसकी बेटी 18 साल से कम की होती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। इंस्टेड गीताज एडेप्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज एंड फोरबियरेंस हेल्प टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। गीता की अनुकूलता, कॉम्प्रोमाइज और सहनशीलता ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में जो भी विवाद है उसको सॉल्व करने में भी मदद करती है। द कंसर्न एंड केयर ऑफ हर हस्बैंड एंड विद दिस एडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्प्रोमाइज गीता अप्रिशिएट्स द लाइफ इन द हवेली। इन सब के बावजूद भी वह अपनी हस्बैंड के लिए चिंतित है और केयर करती है। गीता की जो अनुकूलता और कॉम्प्रोमाइजिंग है वह हवेली में अप्रिसिएट की जाती है। एडजस्ट्स हरसेल्फ एंड बिकम फेम फाइनली इट्स मिस्ट्रेस। वह खुद को एडजस्ट करती है और अंततः वह इस हवेली की मालकिन बन जाती है। After the death of Bhagwat Singh Ji, his son Ajay becomes the master of the Haveli and Geeta the new mistress. Bhagwat Singh Ji की मृत्यु के बाद अजय तो master बन जाता और गीता mistress बन जाती है। The novel ends here with a promise that the new mistress will bring out a harmony between tradition and modernity. नोवेल इस वादे के साथ समाप्त होता है कि नई मिस्ट्रेस ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच समानता लाएगी। शी विल प्रिजर्व द गुड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, और जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स है वह उनको बचा कर रखेगी। एंड एक्सेप्ट मॉडर्न वैल्यूज़ व्हेन इट इज नेसेसरी, और जब भी मॉडर्न वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी तो वह उन्हें एक्सेप्ट करेगी। The three major discourses, gender, class and tradition create a complete study of the novel. इस नोवेल में मेन तीन चीज़ों पर फोकस किया गया, जेंडर, क्लास और ट्रेडिशन पर। द डिस्कोर्सेज ऑन जेंडर प्रोवाइड्स अ फेमिनिस्ट टच टू द नोवेल। द थ्री मेजर डिस्कोर्सेज जेंडर, क्लास एंड ट्रेडिशन क्रिएट अ कंप्लीट स्टडी ऑफ द नोवेल। इस नोवेल में तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है, जेंडर पर, क्लास पर और ट्रेडिशन पर। द डिस्कोर्स ऑन जेंडर प्रोवाइड्स अ फेमिनिस्ट टच टू द नोवेल। जेंडर पर जो बात की गई है वह उस समय की महिलाओं की स्थिति को दिखाती है। इट फोकसेस ऑन द आइडेंटिटी क्राइसिस, पेट्रियार्कल नोशंस एंड अदर जेंडर इश्यूज़। इस नोवेल में आइडेंटिटी क्राइसिस, पितृसत्तात्मकता और जेंडर इश्यूज़ पर फोकस किया गया है। द सेकेंड अप्रोच डील्स विद क्लास सिस्टम पोर्ट्रेड इन द नोवेल, और क्लास के बारे में भी दिखाया गया है। एंड इसकी थीम है द पोजिशन ऑफ वुमेन, स्पेस ऑफ वुमेन, और वो कैसे इस ट्रेडिशनल वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी को खोजती है।